नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटो टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों ये महिंद्रा की बोलेरो मैक्सीटर गाड़ी है, तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो अपन उसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। उसका फ्यूल सिस्टम और करंट सिस्टम और सेंसर सप्लाई भी चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं। सेल्फ मार, तो जैसे भी अपन गाड़ी को सेल्फ मारते हैं तो क्रैंकिंग तो बराबर हो रहा है लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो रही है। मार सेल्फ मारे, तो गाड़ी सेल्फ लग रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अपन उसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। पहले तो आपको दिखाता हूँ, मैं महिंद्रा की बोलेरो मैक्सीटर प्लस है और यहाँ पे अपन फर्स्ट करेंगे उसको स्कैन। तो यहाँ पे मैं इग्निशन स्विच ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद स्कैनिंग करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। यहाँ पे जाएं, बैक जाता हूँ। यहाँ पे अपना है व्हीकल सिलेक्शन, ये अपना कमर्शियल है तो कमर्शियल में जाएंगे, और ये अपना बोलेरो पिकअप है तो बोलेरो पिकअप में जाते हैं। ईएमएस रीड करेंगे, इंजन रीड, फॉल्ट कोड देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ब्रेक सिग्नल का फॉल्ट कोड आ रहा है और यहाँ एक कूलेंट टेम्परेचर आउटपुट का फॉल्ट कोड आ रहा है, लेकिन इससे गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी। मतलब गाड़ी चालू तो नहीं हो रही है लेकिन उसके अंदर फॉल्ट कोड भी नहीं है। मतलब गाड़ी के अंदर फॉल्ट आना चाहिए तो इसके अंदर फॉल्ट कुछ आ नहीं रहा है। वापस आपको एक बार मैं सेल्फ मार के दिखाता हूँ। क्रैंकिंग किया मैंने, वापस एक बार फॉल्ट कोड चेक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है। तो अपन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप उसको कैसा चेक करने का। और दूसरा और एक चीज़ है कि इसके अंदर अपने को ऐसा फॉल्ट समझ में नहीं आता है तो अपने को उसमें लाइव डाटा में चेक करने गए। तो आपको मैं उसका लाइव डाटा भी दिखाता हूँ, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपके पास कोई भी गाड़ी हो, आपको लाइव डाटा समझ में आ गया तो आप फॉल्ट आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो आप रीड डाटा स्ट्रीम में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे मीटरिंग यूनिट में। मीटरिंग यूनिट में जाएंगे, मीटरिंग यूनिट में जाने के बाद जाएंगे एक्चुअल रेल प्रेशर और रेल प्रेशर सेट पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने दोनों सेट कर दिया, एक्चुअल रेल प्रेशर और रेल प्रेशर सेट पॉइंट। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और अभी देखेंगे कि इसके अंदर देखेंगे कि गड़पक। अभी मैं गाड़ी को करता हूँ क्रैंक एक बार और देखेंगे इसके अंदर जो रीडिंग है वो बराबर आ रही है क्या। तो मैं गाड़ी को क्रैंक करता हूँ और देखते हैं कि जो एक्चुअल रेल प्रेशर कितना आ रहा है उसका। ये रेल प्रेशर सेट पॉइंट ऑलरेडी है और एक्चुअल रेल प्रेशर मतलब अभी करंट में आना चाहिए सेल्फ मारने के बाद, तो अपन वो देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे जीरो बता रहा है तो मैं इसको क्रैंकिंग करता हूँ। वापस एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं क्रैंक कर रहा हूँ, देखेंगे क्रैंक कर रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे उसका रेल प्रेशर नहीं बना रहा है, वहाँ पे जीरो ही आ रहा है। मतलब ये अपना डीजल का प्रॉब्लम है, डीजल सप्लाई बराबर नहीं हो रहा है। तो उसको भी अपन स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो स्कैनर पे तो चेक किया कि उसका रेल प्रेशर नहीं आ रहा है, तो अपन सेकंड स्टेप में चेक करेंगे अपना टाकी का लो प्रेशर पंप, बाद में डीजल फिल्टर, हाई प्रेशर पंप और इंजेक्टर। तो अपने को उसका स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट चेक करेंगे कि इसके अंदर फ्यूल प्रेशर बन रहा है कि नहीं। तो सेकंड स्टेप है अपना, ये हाई प्रेशर पंप का मैं पहला मैटरिंग यूनिट है, ये इसका हाई प्रेशर पंप है और यहाँ पे उसका स्विच लगता है, मीटरिंग यूनिट बोलते हैं उसको। तो मीटरिंग वॉल को उसके अंदर अपन देखेंगे इसके अंदर सप्लाई आ रहा है क्या। तो उसका मैंने सॉकेट खोल दिया और इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर सप्लाई आ रहा है क्या। मल्टीमीटर में इसमें 8 वोल्ट के आसपास सप्लाई आना चाहिए, तो चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट 20 पे सेट करता हूँ मैं और यहाँ पे इग्निशन स्विच करने के बाद यहाँ पे 8 वोल्ट यहाँ पे शो होना चाहिए। इट मीन्स अपना जो वोल्टेज है सप्लाई वो बराबर आ रहा है।
तो उसको मैंने यहाँ पे ये किया और मल्टीमीटर में चेक करेंगे कि इसके अंदर इग्निशन स्विच ऑन कर। यहाँ पे देखो ऊपर 8 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब ये अपना शिफ्ट जो वोल्टेज है वो बराबर है। आप उसको दूसरे भी स्टेप से चेक कर सकते हैं, लेकिन ये चेक करने का तरीका ये सही रहता है मल्टीमीटर से। लेकिन आपके पास आप टेस्टिंग बल्ब से भी चेक कर सकते हैं। ऑफ कर, तो इसको अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ और यहाँ पे देखेंगे इग्निशन स्विच ऑन कर, तो ये अपना ये बल्ब जल रहा है। ये मैंने एकदम छोटा बल्ब लिया है तो ये अपना जल रहा है, मतलब इट मीन्स इसमें सप्लाई बराबर आ रहा है। इग्निशन स्विच ऑफ कर तो अपना मीटरिंग यूनिट में सप्लाई बराबर आ रहा है। अभी नेक्स्ट स्टेप चेक करेंगे उसका रेल प्रेशर सेंसर। रेल प्रेशर सेंसर में देखेंगे कि उसके अंदर में बराबर सप्लाई आ रहा है क्या। तो सेकंड स्टेप चेक करते हैं रेल प्रेशर सेंसर। तो ये इसका रेल के ऊपर लगा रहता है रेल प्रेशर सेंसर। तो ये इसमें 3 वायर है, तो 3 वायर में देखेंगे कि क्या क्या सप्लाई आ रहा है। एक में ग्राउंड आना चाहिए, एक में सेंसर सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट आएगा, और ये जो बीच वाला है वो सिग्नल का वायर रहेगा। मतलब गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जैसा भी अपन एक्सीलेटर दे देंगे, प्रेस करेंगे, तो यहाँ से उसका वोल्टेज बढ़ेगा जो बीच वाला वायर का। और एक इसमें ग्राउंड रहेगा और एक 5 वोल्ट रहेगा सेंसर सप्लाई वोल्टेज। तो उसमें देखते हैं 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज आ रहा है क्या। तो इग्निशन स्विच ऑन कर, इग्निशन स्विच ऑन किया मैंने और डीसी पे सेट करते हैं 20 पे। और यहाँ पे देखेंगे ये ग्राउंड मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 4.8 मतलब 5 वोल्ट के आसपास है। 4.8 सफिशेंट है, बराबर है। ये सेंसर में जो 5 वोल्ट सप्लाई आ रहा है वो बराबर है, 4.8 भी ठीक है। और दूसरे में देखेंगे इसके अंदर ग्राउंड आ रहा है क्या। बीच का वायर मैंने छोड़ दिया, डायरेक्ट अपन उसके लास्ट वाला लूँगा मैं। और यहाँ पे मैं पॉजिटिव में लगा के देखते हैं, तो यहाँ पे 11.77 मतलब बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है कि बैटरी चार्जिंग भी होना ज़रूरी है फुल। तो अभी थोड़ा वो चलता है, लेकिन ये 1277 है, इट मीन्स ये अपना जो ग्राउंड है वो भी बराबर है। तो आप दूसरे स्टेप से भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें मैं ग्राउंड ऑलरेडी लगाया और यहाँ पे मैं सेंसर सप्लाई वोल्टेज में बाजू के जो फर्स्ट वाले में लगाऊंगा, तो यहाँ पे 4.87 के आसपास शो होना चाहिए। तो इट मीन्स ये अपना रेफरेंस वोल्टेज है वो बराबर है। ग्राउंड और मैंने 5 वोल्ट में कनेक्ट करता हूँ डायरेक्ट, तो यहाँ पे आ रहा है 4.87, इट मीन्स ये अपना जो ECM से जो सप्लाई आ रहा है वो बराबर है। अभी बचा है बीच वाला वायर, तो ये सिग्नल का वायर है। ये गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ही यहाँ से इसका सप्लाई बाहर निकलेगा। तो अपना ये थर्ड स्टेप भी क्लियर हो गया, तो अपन देखेंगे चौथा स्टेप। तो इसका हाई प्रेशर पंप है ये, और ये इसका डीजल फिल्टर बॉडी है। तो डीजल फिल्टर बॉडी में मतलब लो प्रेशर पंप से जो टैंक से यहाँ तक पंप से इसके अंदर डीजल आ रहा है क्या वो भी चेक करेंगे। और वो डीजल आने के बाद उसके अंदर प्रेशर भी होना चाहिए, तो अपन वो दोनों भी चेक करते हैं दोनों चीज़। तो इग्निशन स्विच ऑन कर, तो देखो डीजल तो आ रहा है लेकिन उसका प्रेशर इसका जितना होना चाहिए उतना नहीं है, बहुत कम प्रेशर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर पंप का इशू है, तो ये प्रेशर कम है। तो अपन उसका टैंक खोल के उसका पंप भी चेक करेंगे कि इसके अंदर पंप डालने के बाद क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या। तो मैं इसको फिटिंग करता हूँ, इसका पंप का प्रेशर बहुत कम है तो इसमें गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो मैं इसको फिक्स करता हूँ। सेकंड स्टेप देखेंगे लो प्रेशर पंप। तो फाइनली मैंने टैंक खोल लिया, और टैंक खोलने के बाद देखते हैं ये फ्यूल पंप में जो प्रेशर है वहाँ पे उसका उतना प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा है। तो अपन इसके लिए मैंने दूसरा फ्यूल पंप लाया, आपको दिखाता हूँ मैं। तो फ्यूल पंप अपन इसमें डालने के बाद देखेंगे कि गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो मैं आपको एक बार पंप खोल के भी दिखाता हूँ। तो ये मैंने नया पंप लाया, तो पंप फिटिंग करने के बाद देखेंगे कि गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या।
निकाल। तो ये जूना पंप है और यहाँ पे इसका न्यू पंप फिटिंग करूँगा। तो न्यू फिटिंग पंप फिटिंग करने के बाद देखेंगे। फिटिंग कर, तो ये जूना पंप मैंने फाइनली निकाल लिया उसका। तो अपन फिटिंग करेंगे इसका न्यू पंप, उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद देखेंगे कि क्या कंडीशन है, कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है क्या। तो ये अपना ये लास्ट स्टेप है। तो फाइनली ये अपना फ्यूल पंप फिक्स कर दिया मैंने नया वाला, और ये टाकी थोड़ा नीचे ही रखा हूँ कि ये फॉल्ट पहला कंफर्म करूँगा, इसके बाद मैं प्रॉपर फिटिंग करूँगा। और यहाँ पे उसका ये ओल्ड वाला पंप है। तो ये अपना पंप फिक्स हो गया, अभी देखते हैं गाड़ी चालू करके कि गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या। तो अभी नया पंप लगाने के बाद देखेंगे कि डीजल फिल्टर में जो टैंक से उसका जो डीजल का प्रेशर है वो बराबर आ रहा है क्या। तो पहला प्रेशर बहुत कम आ रहा था, इसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो अपन देखते हैं कि इसके अंदर प्रेशर बराबर आ रहा है क्या। तो इग्निशन स्विच ऑन कर, तो ये देखो कितना प्रेशर है इसका, ये बहुत प्रेशर से आ रहा है। ऑफ से ऑफ कर, ऑफ कर, वापस ऑन कर, बंद कर। तो इसके अंदर थोड़ा डीजल कम है, लेकिन ये जो प्रेशर है उसका वो बराबर आ रहा है। तो अपन गाड़ी को करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है क्या। ऑफ करो। तो मैं इग्निशन स्विच को ऑन करता हूँ मैं, और गाड़ी चालू भी करेंगे और उसका रेल प्रेशर चेक करेंगे, जो आपको मैंने पहली बार दिखाया था कि इसके अंदर रेल प्रेशर बंद रह गया वो भी चेक करेंगे। तो ये जाएंगे बोलेरो पिकअप में और यहाँ पे करेंगे ईएमएस रीड। ईसीएम रीड करेंगे इसका, ईएमएस देखेंगे फॉल्ट कोड है क्या कुछ, तो नो ट्रबल कोड है। तो अभी फॉल्ट वैसा अभी आ नहीं रहा था गाड़ी में। तो अपन उसका जो देखेंगे इसके मीटरिंग यूनिट में जो उसका रेल प्रेशर बंद रहेगा नहीं। तो गाड़ी को मारता हूँ सेल्फ में, देखते हैं गाड़ी स्टार्ट हो रही है क्या, और उसका रेल प्रेशर भी चेक करेंगे स्कैनर के ऊपर, कि स्कैनर के ऊपर उसका जो रेल प्रेशर बंद नहीं रहा था वो बराबर बंद रहेगा। तो मैं सिलेक्ट करूँगा इसका मीटरिंग यूनिट और यहाँ पे देखेंगे एक्चुअल रेल प्रेशर और रेल प्रेशर सेट पॉइंट, तो दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जीरो बता रहा है। और अभी सेल्फ मारने के बाद देखेंगे कि इसका रीडिंग बराबर आ रहा है क्या। तो मैं उसको मारता हूँ सेल्फ और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, देखते हैं स्टार्ट हो रही है क्या। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई अपनी और रेल प्रेशर भी उसका बराबर बंद रहा है। तो आपको वापस एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करके दिखाता हूँ मैं। उसका देखेंगे मीटरिंग यूनिट, एक्चुअल रेल प्रेशर और रेल प्रेशर सेट पॉइंट, और गाड़ी हिल रही थी। तो अभी मैं वापस एक बार दिखाता हूँ मैं, अभी सेल्फ मारता हूँ, देखते हैं कि उसके अंदर प्रेशर बंद रहेगा। वापस एक बार दिखाता हूँ। तो ये अपनी गाड़ी स्टार्ट हो गई और रेल प्रेशर भी उसका बराबर बंद रहे। तो इसके अंदर वो फ्यूल पंप का इशू था, तो आपको मैं आगे से भी दिखाता हूँ। तो अपनी ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, इसके अंदर फ्यूल पंप का प्रॉब्लम था, इसके वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। जय हिंद दोस्तों।